दुनिया में ना सिर्फ मैं एक लौता बच्चा हूँ जो इनकी सुनता हूँ, ठीक है, बच्चा भी नहीं, मैं एक लौता ऐसा प्राणी हूँ जो इनकी सुनता हूँ, बाकी सब गोलीबाज है इनको गोली देने के लिए। पूरी मम्मी ने और पापा ने तैयारी करी कि मम्मी के दोनों प्रा दोनों भाई आ रहे हैं वेकेशन मनाने। मैं कहने लगा था दोनों भाई जा रहे हैं अपना हनीमून मनाने। ये पापा, अरे बेवफा नहीं निकले आज तक कोई मामा, तूने सही देखा, शल्ले मामा लड़ने आया था पांडवों की तरफ से, लड़ गया कौरवों की तरफ से। कंस मामा कान्हा जी को सबसे ज्यादा दुखी करने वाला मामा तो आज तक हिस्ट्री में कोई अच्छा हुआ ही नहीं है। वो भी तो था, कौन सा मामा? शकुनी, मामा शकुनी। सबसे उसको तो भूल गया सबसे जो फेमस था, तो बारा। तो मम्मी, मेरे जो मामा लोग हैं, जो यानी आपके भाई, मतलब ऐसी गोली, मतलब मम्मी जाते वहाँ पूरी तैयारी करके आती है, पूरी तैयारी करके आती है। मम्मी ये देखो मैं उनको रस्क खिलाऊंगी, उनके लिए नमकीन लाऊंगी, फुल पार्टी करेंगे, तैयारी करती है। और मैंने मम्मी को पता क्या बोलता, मैं कहा आने नहीं वाले चाहे कुछ हो जाए। और क्या हुआ? नहीं आए। कैंसल। ये याद रखना, रोज रोज सुबह उठ के ना कान्हा जी के साथ पैर छूते हो तो बोला करो थैंक यू फॉर अभिषेक, क्योंकि मैं ही एक लौता जो इनकी सुनता। और फिर मेरे को कहते तेरा प्यार मुझसे कम हो गया, तेरा प्यार मुझसे कम हो गया। चलो कोई तो सुनता है ना मेरी, ये तो नहीं कह सकते ना कि फिर भी शर्ट देखो ट्रिगर्ड इंसान की पहनी हुई है। देख 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 कैसे भग गई। A few moments later, ये क्या कर रहा है? इसको मत तोड़ दी अब फिर। याद है पहले भी तूने इसको तोड़ा था? एक्सरसाइज करनी है तो बाहर आके कर। क्या माना कि तू थोड़ा सा पतला हो गया है, पर ये क्या, जब देखो हर टाइम एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। कैप तो उधार ले। नहीं बता फिर मेरा, ये देखो ऐसे पोज मारते हैं ये। ओश आई एम सॉरी इफ आई एम रॉन्ग, बट ट्राई करना हमारा फर्ज है। ओ बाप रे, डोले शोले। सिक्स पैक कमिंग सून। नहीं पेट पे लगा के घूमा कर ना। सिक्स पैक कमिंग सून। आज मैंने जामुन की मॉकटेल बनाई है मलन साहब। हां जी पियोगे? श्योर व्हाई नॉट। हाय हाय हाय, रोज मैंगो शेक पीते हो, मैंने सोचा आज मॉकटेल बना के पिलाती हूं आपको। एक्सीलेंट, गुड, रिफ्रेशिंग। कैसी लगी? बहुत बढ़िया, अल्टीमेट रिफ्रेशिंग, स्वीट। वैसे मैंने चीनी नहीं डाली इसमें, स्वीट कह रहे हो आप। स्वीट का मतलब कि स्वाद, मतलब बहुत बढ़िया बनी है। अगर आपको भी बनानी है, आपको भी ट्राई करनी है, तो फेसबुक का पेज मेरा फॉलो कर लो, क्योंकि उस पे डेली अपडेट्स आते रहते हैं नए नए। और आजकल वैसे भी जामुन बहुत आ रहे हैं मार्केट में, तो ट्राई कर सकते हो आप। थैंक्स फॉर वाचिंग। वे मलन साहब अपना काम पे चले गए, फिर अभिषेक उठा वो चला गया, उसका तो काम ही यही है खाया पिया खिसके। मैंने सोचा चल अभिषेक गया तो निश्चय तो है, अब निश्चय भी खाया पिया और फटाफट तैयार हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है? जब बाल थे तब तो तूने कभी कंघी नहीं करी, अब तो so, छोड़े वालों को कंघी करेंगे तभी तो, जब वो बड़े होंगे तो वो मैनेजेबल रहेंगे। समझ रहे हो? अब तैयार व्यार होके कहाँ को, कहाँ की तैयारी? दोस्तों से मिले हुए बहुत दिन हो गए, मिलने जा रहा। कल मेहनत ज्यादा कर ली, कल बहुत काम कर लिया। कह रहा है कि आप महीने का मेरा खर्चा पूरा है। शूट के बाद वैन में बैठा मैं, बस बेहोश हो गया था। फिर उसके बाद मैंने कैब रुकवाई, फिर उसके बाद मैंने एक लिमका ली, लिमका गटकी पूरी, तब जाके तो थोड़ी एनर्जी आई घर पहुंचने की। तो तभी आवाज इतनी ज्यादा चेंज हो गई है। मास्क दे दो, मास्क। अब फिर जाएगा तो कुछ ठंडा वंडा मत पीना। मास्क दे दो, मास्क नहीं पियेंगे। लो जी मास्क लगाओ, मास्क लगाइए, काम पे जाइए। बाय बाय। बाय बाय, टेक केयर। वन इटर्निटी लेटर। आ गया? तूने मेरे को बोला था मैं 2 घंटे में आ रहा हूँ, 3 में आ गया। 1 घंटा तो पहुँचने में लगता है, 2 घंटे में कैसे आ जाता? ये पापा आज यहाँ पे कैसे बैठे हुए हैं? इनका सिंहासन कैसे बदल गया? उधर ब्लास्ट हो गया एसी में, बूम। बच गए आज हम। क्या? घर में आग लग जाती है आज। क्यों? अरे पापा गए हुए थे काम पे, तो इन्होंने आते ही एसी ऑन करा, वो आग निकली एकदम से।
ये डर के मेरे को मज्जे मार रहे हैं, ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। हाँ उससे पहले मैंने स्विच ऑफ करके वो नीचे से भी स्विच ऑफ कर दिया, तो डर तो लगा ही ना एकदम से, इतनी मतलब आग निकली। ऐसा डर मुझे लगा था जब मेरा पीसी फटा था। अब तो ना चीजें भी साथ छोड़ रही है, अब चीजें भी कह रही है जाओ बाहर से। मलन साहब मिक्सी खराब, प्रेस खराब, पंखे खराब, फ्रिज खराब, तेरा पीसी खराब, अब एसी भी साथ छोड़ गया, तबीयत खराब, तबीयत भी खराब, घर ही बदल लेते हैं। व्हाट डू यू से, घर ही बदल लेते हैं। ये मूवी कह रहे हैं मूवी देखने दे, क्या करके बोला था थिएटर पे चल लो देखने मेजर मूवी, तब तो गए थे ये, यहाँ पे अब मेजर देख रहे हैं, कह रहे हैं आज मैं इस साइड बैठा हूँ ना इस कमरे में, तो चलो इसी बहाने हमारे भी नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन। A few inches later. हाय मम्मी, कुछ फर्क दिखा? Oh my God. ये कब हुआ, ये कैसे हुआ? आज हो गया। फ्लैशबैक। तो गाइस फाइनली इकरार भैया कर दे, इन बालों का काम खत्म तमाम। बहुत डर लग रहा है मुझे, और उसने वहां पर आवाज चला दिया कि रिकॉर्डिंग ना हो, ये फंस गया। डेढ़ साल भाई, डेढ़ साल में कितनी सी ग्रोथ कम है ना, कम नहीं है काफी है, लेकिन जबरदस्ती बालों का हथियारा बनवा रहे हो मेरे को। इतना मना किया, मैंने इनको इतने टाइम से बोला कि मेरे बाल सेट करवा दो, बाल सेट करवा दो, कैप नहीं पहननी, आई एम फेड अप ऑफ कैप, तो ये कर नहीं रहे, तुम नहीं कर रहे, तुम्हारी गलती है, सब तुम्हारे को सुनाएंगे। देने के लिए तैयार हूँ बड़े बालों में, लेकिन नहीं हेयर स्टाइल, ऐसा हेयर स्टाइल बना दे तो जो हर बार सेट कराना पड़े वो वाला सौदा नहीं, अपने आप रहे, चाहे बाल को कुछ भी कर दो पर अब कैप नहीं, कैप नहीं हो सकता। अब फाइनली यही लुक है कि अब उनको छोटा करना पड़ेगा, लेट्स गो एक बार देखते हैं अब करके। तुम हो इन बालों के हत्यारे, आप बना रहे हो, मैं तो मना करता हूं, मत कराओ छोटे। गाइस ये है प्री हेयर कट, अब पोस्ट हेयर कट देख लेंगे कैसा होता है। फाइनली आफ्टर एक साल हमने बाल कटवा लिए, और इकरार भी क्या कहना चाहोगे आप? गाइस कमेंट सेक्शन में जाके बताओ, मुझे सच्ची ऐसा लग रहा है मेरे मम्मी पापा मेरे को पहचानने नहीं वाले कि ये क्या है। नहीं बाकी काटने से पहले मैं भी मना कर रहा था, लेकिन काटने के बाद बहुत अच्छी लुक आई है। एक बार कमेंट सेक्शन में बता रहा, बड़े बाल या छोटे बाल, नहीं तो मैं फिर से बड़े कर दूंगा, पर बड़े होने में एक साल लगेगा। कैसे लग रहे? अच्छे लग रहे। सच में बेटा जवान लग रहा है, कुछ अलग डिफरेंट। पापा जी मूवी देखने दो, पापा कह रहे मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मूवी दिखाओ मेरे को। अरे चला रहा हूँ यार, ये देखना ऐसे हो गया इनको, मेजर चला दो मेजर। मूवी तो फिर है ही, बस तो वेट नहीं करेंगे सर। तुम कैसे जानते? पर ये तो सोचना, पूछ तू तो तेरे कमरे में चकलो रिवॉल्वर रफला रफला भी कब्जा लेना, आज तेरे कमरे का कब्जा हो गया। अच्छी बात है। सो गाइस हियर इट इज मी द क्यूट अबू। कैसी लगी? अल्टीमेट। अगर हॉल च देख देना और ज्यादा मजा आंदा पॉपकॉर्न पेप्सी दे नाल। अब कह रहे हैं कि मैं RRR भी देखूंगा, मैं गंगूबाई, मैं हर मूवी देखूंगा, मतलब थिएटर में देखने नहीं गए, अगर थिएटर में देखते ना और ज्यादा फील आती। मेजर मेजर बियॉन्ड कंपेयर है। हाँ तभी तो हमने बोला था चलो चलो, अब्बू आया कोई मतलब नहीं, नोनू आया कोई मतलब नहीं, मेरे को मूवी देखने दो, मूवी देखने दो। मेरे बाल मुझे बहुत याद आएंगे। फर्क देख कल इस टाइम और आज इस टाइम, दोनों में कितना फर्क है, और तू बता कौन से ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। Guys, आप सब बताना कि ये या ये, फर्क देखो दोनों में। याद आ रहा है एक एक बाल। Guys, दर्द दिलों के कम हो जाते अगर वो बाल वापस आ जाते। कितना कैसे कैसे आया मन में? बस निश्चय ने गजनी शॉट बन गया था। हाँ, तो मैं भी सोचा मैं भी थोड़ा सा चेंज करा लूं। निश्चय ने एक्चुअली मुझे बोला यूट्यूब पे ना यू नीड टू लाइक कीप चेंजिंग योर हेयर स्टाइल टू लुक फ्रेश।
मतलब चलो किसी की तो बात माननी, मैं कम से कह रही थी अब्बू बाल कटाने टच, चलो प्यार बना रहे, ब्लाइंड ले लूं मैं तो।